लहलहाती फसलें, मेहनतकश हाथ, आशा भरी निगाहें और भविष्य के सपने, यही है भारत के अधिकांश किसानों की कहानी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था लगभग 60 से 65% कृषि पर आज भी निर्भर है। इस दिशा में सरकार द्वारा कई आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं, जैसे उच्च गुणवत्ता वाले बीज और पोषक तत्वों का प्रबंधन, समर्थन मूल्य MSP में आवश्यक वृद्धि, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना का क्रियान्वयन, जैविक खेती को बढ़ावा, एम किसान योजना का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार का विस्तार, 585 मंडियों को जोड़ना, नई फसल बीमा योजना। इसी कड़ी में हिल इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित सुरक्षित कीटनाशक स्वस्थ फसल का आयोजन किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया है। किसानों की समृद्धि के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। उनकी खुशहाली के लिए भारत सरकार का रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी पूरी तरह कटिबद्ध है। गत वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि खादों की भरपूर उपलब्धता रही है और पूर्णतः नीम लेपित यूरिया किसानों को निर्धारित दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। भारत में मुख्य रूप से गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, दलहन, कपास और तिलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सब्जियों, फलों के साथ साथ कई व्यावसायिक फसलें भी उगाई जाती हैं। लेकिन किसान भाइयों की एक बड़ी चिंता का विषय है कीट और फसलों में होने वाली बीमारियां। जिन फसलों में कीट या बीमारी लग जाती है, वे फसलें देखते देखते बर्बाद हो जाती हैं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम हिल इंडिया लिमिटेड कीट और कीटनाशकों पर निरंतर शोध कार्य करने तथा गुणवत्ता वाले कृषि रसायनों का उत्पादन एवं किसान भाइयों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में योगदान दे रहा है। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड की स्थापना मार्च 1954 में की गई थी, जिसका नाम अब हिल इंडिया लिमिटेड है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत DDT की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसके पश्चात कंपनी कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि रसायनों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन और विपणन का कार्य भी कर रही है, ताकि एक ही स्थान पर किसान भाइयों को आवश्यक कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। एक अनुमान के मुताबिक कीट, बीमारियों और खरपतवार के कारण देश भर में लगभग 25 से 30% फसलें बर्बाद हो जाती हैं। गुणवत्ता वाले कीटनाशकों के सुरक्षित और उचित उपयोग से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इस क्रम में हिल इंडिया लिमिटेड गुणवत्ता युक्त कीटनाशकों का उत्पादन करने के साथ साथ इसके सुरक्षित तथा उचित उपयोग के लिए विक्रेताओं और किसानों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर कुशल भारत कौशल भारत योजना के अंतर्गत हिल इंडिया लिमिटेड समय समय पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। कंपनी द्वारा देश के विभिन्न प्रदेशों में वर्ष 2016-17 में लगभग 35,000 और 2017-18 में लगभग 42,000 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। सुरक्षित कीटनाशक स्वस्थ फसल के इस कार्यक्रम में कीटनाशकों के उचित उपयोग और उनसे सुरक्षा के उपाय भी बताए जाएंगे। कई बार किसान समुचित जानकारी के अभाव में कीटनाशक का उचित उपयोग नहीं करते हैं, परिणाम स्वरूप फसलों को काफी नुकसान, साथ ही उत्पादन लागत में अनावश्यक वृद्धि होती है। दूसरी तरफ किसान भाई कीटनाशक का उपयोग करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा की तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं। हिल इंडिया लिमिटेड फसल की सुरक्षा एवं किसान भाइयों की खुशहाली के लिए दृढ़ संकल्प है। कंपनी अपना दायित्व समझती है कि कीटनाशकों के प्रति किसानों को अधिक से अधिक जागरूक बनाया जाए, ताकि भारत सरकार का सपना सुरक्षित कीटनाशक स्वस्थ फसल साकार हो सके। स्वस्थ और खुशहाल किसान नए भारत की बनेंगे शान।